देखिए इस तरीके से मिट्टी को पीसा जाता है ताकि इसमें लम्स, क्या बोलते हैं इनको, डले डले हाँ डले ना रहे। मिट्टी बारीक होती है तो अच्छा होता है इस तरीके से। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए जो ये प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, आज इनकी रिपोर्टिंग होगी। तो बस इसी के लिए मिट्टी तैयार की जा रही है। जो मिट्टी के बड़े बड़े पीस हैं इनको फोड़ा जा रहा है और फिर इसमें खाद वगैरह मिलेगी, सैंड वगैरह मिलाएंगे। तो इस तरीके से मिट्टी को बारीक करके अगर आप भी प्लांट्स के लिए रेडी करेंगे तो काफ़ी अच्छी मिट्टी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि इसमें रेत मिलाई जा रही है मिट्टी में, और मिट्टी की क्वांटिटी से कुछ ज़्यादा रेत मिलानी पड़ती है जिससे कि पानी अच्छे से निकल सके प्लांट से, उसके अंदर पानी ना रुके। तो देखते हैं और मिलते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से इसमें रूट बाउंड हो चुका है। देखिए पूरा ये इस छोटे पॉट में लगा हुआ था और पूरा पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया था। देखिए तो अब इसको हम रिपोर्ट करेंगे दूसरे पॉट में। बड़ा पॉट दूंगी मैं इसको, ये वाला पॉट। तो चलिए रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी निकाल रहे हैं। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इधर ये वाला प्लांट था जो ये रिपोर्ट कर दिया है। देखिए तो बड़ा पॉट दे दिया इसको। और ये है संध्या मालती की, देखिए सीडलिंग है ये। कहीं से बीज गिर गए होंगे तो ये अंकुरित हो गए हैं, इनको भी मैं लगा दूंगी। और इधर देखिए इसको निकालने में मेहनत चल रही है। ओ ये देखिए कितना बुरी तरीके से रूट बाउंड था, कहाँ से ये बेचारा ग्रो करता। तो इसको भी मैं बड़ा ही पॉट दूंगी। तो चलिए इसको भी मैं शिफ्ट कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसमें केचुए भी होते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मिट्टी के लिए पोरस बना देते हैं मिट्टी को। तो इसको तो दोस्तों अब इसका नंबर आ गया है। देखिए ये मैंने चार कटिंग लगाई थी और मुझे फ्री में मिल गई थी, कोर्ट द्वार जाते टाइम मुझे मिल गई थी। तो एक स्कूल वालों ने इन्हें फेंक रखा था तो मैं वहाँ से उठा लाई थी और चारों की चारों मेरी कटिंग ग्रो हो गई बहुत ही अच्छा। और बहुत ही बुशी प्लांट बन चुका है, अच्छा भी लग रहा है लेकिन फिर इसमें ग्रो नहीं करेगा। तो इस वजह से इसको मैं थोड़ा सा रिपोर्ट कर रही हूँ, इसे बड़ा पॉट दूंगी। तो देखिए निकालने में किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं जब बिल्कुल रूट बाउंड हो जाता है प्लांट। ओ ये देखिए, ये देखिए कितना रूट बाउंड है। चीटी भी होगी इसमें, इसमें चीटियाँ भी हैं देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। इसको इसका भी इलाज करेंगे। तो चलिए पहले इसको रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इनको मैं अलग कर रही हूँ और रूट्स देखिए कितनी फंसी हुई हैं। तो दो प्लांट को मैं एक गमले में लगाऊंगी और इन दोनों को एक में लगाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी इनको थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। ये देखिए रूट्स, चलिए इनको इन दोनों में लगा देती हूँ। ये देखिए फिर मिलूँगी आपसे। तो दोस्तों ये है देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, विंटर में क्या हालत हो गई इसकी। और इसका गमला देखिए बिल्कुल टूट गया, गमला नहीं है ये एक्चुअली। देखिए इसकी रूट्स भी नीचे से निकली हुई हैं। अगर आपके किसी भी प्लांट की रूट्स नीचे से निकली हुई हैं तो समझ लीजिए रिपोर्ट करना ज़रूरी हो गया है। और ये मैंने डब्बे में लगाया था तो देखिए पूरा ख़राब हो गया डब्बा। तो अब इसकी भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए आई थिंक ये डब्बा ही तोड़ के निकालना पड़ेगा। और इसमें पर्सलेन भी लगा हुआ है वो, तो पर्सलेन को मैं अलग कर लूँगी। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं फिर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली इसे तोड़ के ही निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये नहीं निकल पा रहा है, तो इस वजह से इसको तोड़ दिया हमने। वैसे भी ये डब्बा बेकार हो चुका था। तो देखिए इस तरीके से तोड़ के जब निकाल रहे हैं, भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी रूट्स नीचे से दिखाना ज़रा, देखिए कितना बुरी तरीके से रूट बाउंड था। तो बस अब इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए ये जो यहाँ से था प्लांट, तो देखिए यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट है तो मैं इसको यहीं से ही कट कर रही हूँ और मैं लगाऊंगी इसकी कटिंग। ये देखिए ये है, तो मैं इसकी कटिंग इसी में ही लगा दूंगी, बहुत ही आराम से ये ग्रो हो जाएगी। पानी में भी लगा सकते हैं आप इसकी कटिंग अगर चाहें तो, पानी में भी इसकी रूट्स आ जाती हैं और उसके बाद आप इसको मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये देखिए, ये फिलेरेनोन सेलम है।
तो इसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड है, इसको अलग रखना है इसकी मिट्टी को। तो इस वजह से इसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक जो है पत्ता है वो थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है। मैं दिखाऊंगी आपको, ये वाला है देखिए, तो ये ब्राउन होने लगा है, तो इस वजह से इसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं और इसको भी बड़ा पॉट दे देंगे तो बहुत ही अच्छे से फिर ये ग्रो होगा। और इसका भी देखिए निकालने में मशक्क़त करनी पड़ रही है बहुत ही। तो दोस्तों इसका भी देखिए यही हालात है, ये देखिए कितना रूट बाउंड है। ये मैं ऐसे ही पॉट के साथ ही लेके आई थी नर्सरी से, तो अब इसको भी नया पॉट देंगे। अच्छा हुआ कि हमने देख लिया, वरना ये पूरा का पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाता, क्योंकि ग्रो करने की इसमें जगह ही नहीं है, कहाँ से ग्रो करेगा। नीचे से आप देख ही रहे हैं, देखिए कितने बुरी हालत है इसकी। तो बस इसको भी रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए आज इतने सारे प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कर दी, बाकी अभी भी कुछ बचे हुए हैं तो बस। और यहाँ पर सॉन्ग ऑफ इंडिया की ये कटिंग भी लगा दी है, क्योंकि वो उधर से दूसरी जगह से उसमें ग्रोथ स्टार्ट है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।